शिक्षक भर्ती परीक्षा का दूसरा चरण चल रहा है। वहीं पहले चरण की भर्ती परीक्षा को लेकर आयोग ने पोर्टल खोल दिया है, जिससे अभ्यर्थी अपना आपत्ति दर्ज कर सकेंगे। लेकिन वहीं आयोग ने अब नोटिस जारी करते हुए लिखा है कि 489 अभ्यर्थियों की ओर से दर्ज कराए गए आपत्ति आयोग के शर्तों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने आयोग के आदेश के उल्लंघन के साथ आयोग के बहुमूल्य समय को बर्बाद किया है। साथ ही आयोग पर अनावश्यक और तथ्यहीन आरोप लगाते हुए आयोग की छवि को धूमिल करने का भी यहां पर आरोप लगाया है। वहीं कहा है कि जिसके कारण से आयोग अब किसी भी तरह की कार्रवाई या फिर निर्णय लेने के लिए बाध्य हुआ है। हालांकि फिलहाल सभी अभ्यर्थियों को निर्देश देते हुए कहा गया है कि उन्हें अपने बचाव में यदि कुछ कहना है तो 30 दिसंबर 2023 के शाम 5 बजे तक वे अपना अपना स्पष्टीकरण आयोग के ईमेल आईडी secretary.bpscbihnic.in पर अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं। और स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने पर यह समझ जाएगा कि आपको अपने बचाव में कुछ नहीं कहना है। ऐसी स्थिति में आयोग आपके विरुद्ध निर्णय लेने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा। और अब बड़ी खबर का यहां रुख करते हैं।